Uh, बच्चों हम इन बात करने जा रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म की जर्नल एंट्रीज के बारे में तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होता है और कोई भी एक्सपेंसेस जब प्रोवाइड किए जाते हैं या जब रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो डेबिट होते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन को हम लोन बाय पार्टनर अकाउंट में ही क्रेडिट करते हैं एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट लोन बाय पार्टनर अकाउंट बढ़ गया और लोन बढ़ता है तो क्रेडिट होता है तो ये एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रोवाइड करने इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अकाउंट डेबिट टू लोन बाय पार्टनर अकाउंट ये वो लोन होता है जो पार्टनर ने फर्म को दिया था इसका इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो प्रॉफिट हो या लॉस हो देना ही देना पड़ेगा आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड बाय द फॉर्म अब क्योंकि ये चार्ज है इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज कर दिया जाता है और एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर अब बात कर लेते हैं बच्चों रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर की जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है उसी तरह से रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर भी एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हुआ करता है जब इस रेंट को पे किया जाता है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा बिकॉज एज़ पर रूल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं और क्योंकि uh, पैसा कम हो रहा है इसलिए कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा दिस इज द एंट्री फॉर रेंट पेड लेकिन यही रेंट जब ड्यू तो हो जाएगा मगर पे नहीं हुआ तो रेंट अकाउंट तो डेबिट होगा मगर कैश uh, या बैंक की जगह रेंट पेबल अकाउंट जो एक लाइबिलिटी है आपकी बढ़ गई है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है तो रेंट जब ड्यू होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट में uh, जो है ये एंट्री बनाई जाएगी और रेंट क्योंकि एक चार्ज है रेंट टू अ पार्टनर तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज किया जाता है और एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट क्लियर बच्चों बच्चों अगर कोई लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया करती है और जब वो ऐसा इंटरेस्ट चार्ज करती है फ्रॉम द पार्टनर तो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट हो जाती है डिपेंडिंग ऑन की फ्लक्चुएटिंग है या फिर फिक्सड है और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट क्रेडिट हो जाता है बिकॉज ये फर्म के तो इनकम है दैट्स वाई और इस इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट को जब क्लोज किया जाएगा तो इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के क्लोज़ किया जाएगा ठीक है बच्चों तो इस तरह से इसकी एंट्री बनती है यह वो लोन होता है जो पार्टनर को दिया गया है फर्म के द्वारा यानी फर्म टू पार्टनर यह ठीक है फर्म के लिए एसेट की तरह होता है नॉट अ अलाइबिलिटी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनर्स में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इस लोन पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों जबकि जो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया होता है उस पर सिक्स परसेंट परिणाम दे, देना